Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अजित मिश्रा आपके साथ, और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज 18 अक्टूबर करंट अफेयर्स की। तो आई थिंक सब लोग यहाँ पर आ चुके होंगे और सबको गुड इवनिंग। और शुरुआत करते हैं आज के अपने मोटिवेशनल कोट के साथ जो आपके स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोटेशन क्या है हमारा, एक बार देखते हैं। इफ इट डज नॉट चैलेंज यू, इट वुड नॉट चेंज यू। जब अगर हमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो लाइफ में तो हम कोई एफर्ट्स कैसे करेंगे? तो एग्जाम जो है, जो डे बाय डे टफ होते जा रहे हैं, वो क्यों होते जा रहे हैं? बिकॉज वो आपको चेंज कर रहे हैं। आपके अंदर जो भी क्षमताएं हैं, जो बाहर निकल के आ रही हैं, वो अच्छे से आ रही हैं। एक बात तो आप मेरी मानेंगे कि जो आप तैयारी करते हैं, आप पहले तैयारी जो करते थे और अब जो कर रहे हैं, उसमें कितना डिफरेंस आ चुका होगा, है ना? क्वेश्चन के लेवल से लेके आपका एफर्ट। तो गाइस, ये क्या है? ठीक है, एग्जाम है, चैलेंज है, हमें चेंज कर रहे हैं, हम चेंज होंगे। और कहा भी गया, चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर, है ना गाइस? और हमें एग्जाम पैटर्न के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चलिए तो शुरू करते हैं एक बार अपने मोटिवेशनल कोट। हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर यहां पर आ रहा है। और स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्वेश्चन क्या है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर SS मुंद्रा को कंपनी का सलाहकार नियुक्त किया गया, कौन सी कंपनी का, ये आपसे पूछा जा रहा है। फॉर्मर आरबीआई डिप्टी गवर्नर SS मुंद्रा हैज अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर ऑफ दिस कंपनी, और इस कंपनी का नाम आपको बताना है। SS मुंद्रा के बारे में आप जानते होंगे, ये आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं, है ना? और क्या इसका आंसर होगा, ये आपको बताना पड़ेगा मुझे। तो हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आपको और भी इंफॉर्मेशन देंगे। और यहां पर आंसर क्या है, यहां पर आंसर है बैंक बाजार। तो बैंक बाजार इज राइट आंसर, कंप्यूटर जी ने आपको दिखा भी दिया है। देखिए तो बैंक बाजार की बात करें, इन्होंने SS मुंद्रा को एज एडवाइजर अपॉइंट किया है। नीचे देख लीजिए, यहाँ पर बैंक बाजार को फाउंडर एंड सीईओ कौन है, आदिल शेट्टी। ये भी लर्न कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो ये भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है और हम बढ़ते हैं अपने आज के दूसरे क्वेश्चन पे। ये रहा द सिक्स्थ मीटिंग ऑफ यूएई इंडिया हाई लेवल ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट वॉज हेल्ड इन। इसकी इंफॉर्मेशन कल हमने आपको दे दी थी, जो हमने बताया था कि इंडिया जो है वो यूएई के लिए एक डेस्क बनाएगा जिससे इन्वेस्टमेंट ज्यादा सही हो जाएगा। और ये कहां पर हुआ था, ये हुआ था सिक्स मीटिंग ऑफ यूएई इंडिया हाई लेवल ज्वाइंट टास्क फोर्स, मैंने बताया था। तो ये कहां पर हुआ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर देना है। और मैक्सिमम बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है, कंप्यूटर जी दिखाएं, इसका आंसर है मुंबई। तो मुंबई इज राइट आंसर। तो याद रखना, सिक्स्थ मीटिंग नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो सिक्स्थ मीटिंग ऑफ यूएई इंडिया हाई लेवल ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट, ये मुंबई में हुआ। हम आगे बढ़ते हैं आज के अपने तीसरे क्वेश्चन के साथ। ये रहा देखिए, वेयर वॉज द वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज यूनोकॉइन इंस्टॉल्ड करेंसी डिपॉजिट एंड डिस्पेंसिंग एटीएम। तो वर्चुअल मुद्रा विनिमय केंद्र यूनोकॉइन ने कहां पर मुद्रा जमा और आहरण एटीएम शुरू किया है। वर्चुअल करेंसी का मतलब आप लोग जानते हैं, बिटकॉइन की बात हो रही है। बिटकॉइन इज एन एग्जांपल ऑफ वर्चुअल करेंसी, ठीक है? तो आपको इसका आंसर देना है। और यहां पर बच्चे आंसर दे रहे हैं, सबको गुड इवनिंग। और भूलिएगा नहीं, जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, 8:30 पे फिर से आऊंगा मैं। तो 8:30 पे करंट अफेयर्स, स्टैटिक और बैंकिंग का मिक्स बैग लेकर मैं आऊंगा, आपको वहां पर भी आना। चलिए और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु इज राइट आंसर। तो बेंगलुरु लॉक कर दे यहां पर, देख लीजिए। यहां पर जो सेकंड पॉइंट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया, इट अलाउ इट्स कस्टमर टू डिपॉजिट एंड विदड्रॉ अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹1000 फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। ये भी आपको लर्न कर लेना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके क्वेश्चन नंबर 4 की बात आपसे करने जा रहे हैं, जो स्क्रीन पर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना, पैसा, ट्रेजरी ने बैंक और निवेश कंपनियों को लक्षित करते हुए अक्टूबर 2018 में किस देश पर नए प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। तो द यूएस ट्रेजरी हैज अनाउंस फ्रेश सैंक्शन ऑन विच कंट्री इन अक्टूबर टारगेटिंग बैंक्स एंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज। मतलब यूएस इस देश के पीछे पड़ गया हाथ धोकर, पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर टैरिफ पर बैन लगाया, फिर दूसरे देशों से बोला कि नहीं आप भी सामान मत खरीदो, और अब इनके बैंक और इन्वेस्टमेंट कंपनीज पर बैन लगा रहा है। और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर, जी हां बिल्कुल, इसका आंसर है ईरान। तो ईरान इज राइट आंसर। यहां पर देख लीजिए, देखिए जो सेकंड पॉइंट है वो ध्यान से देखिएगा, कौन कौन से बैंक है जिन पर बैन लगा है। तो बैंक मेलत और मेहर एगेस्टेस बैंक,
तो ये जो दो बैंक है, ये दोनों बैंक आपको याद कर लेना, इसके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया। उसके नीचे भी लिखा हुआ है कि ईरान ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, स्टील कंपनी एंड अदर्स लिंक टू इन्वेस्टमेंट कमोडिटीज एंड इंजीनियरिंग, इन पर भी बैन लगा है यूएस ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं जो आपके सामने यहां पर है। बात हो रही है पैसिफिक ओशियन की। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च अ प्रोजेक्ट टू कलेक्ट द प्लास्टिक इन द मिडल ऑफ द पैसिफिक ओशियन, मतलब कि किसने प्रशांत महासागर के बीच से प्लास्टिक को इकट्ठा करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। हालांकि ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन है और एनवायरमेंट के क्वेश्चन बेसिकली आपके रेलवे, एसएससी, इसमें ज्यादा मिलते हैं, बैंकिंग में थोड़े कम मिलते हैं, बट हम सारे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। क्या इसका आंसर होगा, चलिए बताएं मुझे। अमरजीत काटसा हम पर मेरा माइंड कहता है नहीं लगेगा, बिकॉज अगर कहते नहीं है कि चाइना और इंडिया दो बहुत बड़े मार्केट हैं, तो चाइना से यूएस दुश्मनी ले सकता है, बट अगर वो इंडिया से भी दुश्मनी ले लेगा तो वो फिर सामान किसको बेचेगा अपना, है ना। तो जहां तक मुझे लगता है कि नहीं लगने वाला है, ठीक है। चलिए, और यहां पर बच्चे आंसर दे रहे हैं, शायद बच्चों को इतना पता नहीं इस क्वेश्चन के बारे में, और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ब्लू ओशियन इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ब्लू ओशियन इंस्टीट्यूट की बात करें, यहां पर देख लीजिए, यहां पे है, तो ब्लू ओशियन, ओशियन क्लीनअप फाउंडेशन जो है इन्होंने लॉन्च किया है, ओशियन क्लीनअप फाउंडेशन, ये सही आंसर है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या बोला गया कि इन्होंने बीड़ा उठाया है कि प्रशांत महासागर के जो बीच के बॉटल्स हैं प्लास्टिक के या प्लास्टिक कचरे हैं वो हम साफ करेंगे। इसके लिए विल्सन नाम का एक पाइप है 2000 फुट लंबा, उसके थ्रू ये प्लास्टिक को, कचरे को यहाँ पे शेप मतलब खींचेंगे अपनी तरफ पे, मतलब प्लास्टिक का वो यू शेप होगा, तो वो डाल के ऐसे खींचा जाएगा ताकि जो कचरे हैं वो सारे तट तट पे आ जाएं। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए, किस राज्य के साथ ऑस्ट्रेलिया सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2019 में भाग लिया है? तो विथ विच स्टेट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इंगेज द ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2019? हमारे पास चार ऑप्शन है और हमें सही आंसर देना है। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की, इस स्टेट के साथ ऑस्ट्रेलिया भी है और आपको इसका आंसर देना है। क्या इसका आंसर होगा? अरे तो प्रीति जी, बिल्कुल गलती हो सकती है, हम भी तो इंसान है ना, है कि नहीं, और आंसर आपको देना है। तुम लोग को बड़े मजे आ रहे हैं, हाँ मैं गलत हो गया तो। और आंसर क्या है इसका, आंसर है बच्चे बोल रहे हैं केरला, कंप्यूटर जी बच्चों को आंसर दिखाएं, आंसर इज तमिलनाडु, तमिलनाडु सही आंसर है। देख लीजिए, यहां पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट तमिलनाडु के साथ इन्वेस्टर मीट करने जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया का यह सोचना है कि इंडिया में एजुकेशन, रोड सेफ्टी, टेक्नोलॉजी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, फिशरीज और एग्री बिजनेस, इस पे काफी स्कोप है, तो ऑस्ट्रेलिया अपना बिजनेस यहां पर इंडिया में फैलाना चाहता है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर इंडिया में कौन है, तो वो है हरिंदर सिंधु। यहां पर तीसरा ऑप्शन देख लीजिएगा, तीसरा पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की, जो आपके स्क्रीन पर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। 2018 में सूचना के अधिकार पर जारी नवीनतम वैश्विक सूचकांक में भारत का प्लेस क्या है? What is the India's rank in the latest global index on right to information in 2018? और आपको इसका आंसर देना है। क्या इसका आंसर होगा, जल्दी बताएं। हाँ, मैक्सिम लोग केरला ही बोल रहे थे, है ना, चलो ठीक है, जिद है तो जिद है कि गलत भी बोलेंगे, है ना, तो ठीक है। जय बजरंग बली, जय माता दी, हर बार काम नहीं आता है। और एकदम बढ़िया हूँ मैं, एकदम गौरव जी एकदम बढ़िया हूँ, आंसर दीजिए। यहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं सिक्स, क्या सिक्स सही आंसर है? तो क्या सिक्स सही आंसर है, कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं, सिक्स बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन देख लें, अफगानिस्तान ने टॉप किया है और इस इंडेक्स में टोटल 123 कंट्रीज थी। इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो सिक्स रैंक पर आ गया है, इंडिया छठवें प्लेस पर आ गया है, इंडिया हैज स्लिप्ड फोर पोजिशन, तो इंडिया को चार स्थान का नुकसान उठाना पड़ा है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, यहां पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? एक बात ध्यान दीजिए, इंडेक्स दूसरा था, ये 115 वाला इंडेक्स कोई दूसरा था ना भैया, नाम याद रखो, नाम क्या पूछा गया, यहां पर राइट टू इंफॉर्मेशन बोला गया है ना। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हाफ द नाइट इज गॉन विच इज शॉर्टलिस्टेड फॉर द हिंदू प्राइज 2018? तो हाफ द नाइट इज गॉन किताब के लेखक कौन है, जिसे हिंदू पुरस्कार 2018 के लिए चुना गया है, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या इसका आंसर होगा,
जल्दी से बताएं मुझे क्या इसका आंसर होगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताएं। और यहां पर सोनेल राणा का आंसर आ गया है, और देख लेते हैं यहां पर किसका है। और लोग यहां पर तुक्का मार रहे हैं, ठीक है। कोई बोल रहा है निधि डगर कुंडलिया, नाम अच्छा रहा इसलिए। तो कंप्यूटर जी बच्चों को इसका आंसर दिखाएं, इसका आंसर है अमिताभ बागची। तो अमिताभ बागची यहां पर आंसर आपको दिख रहा है। तो द नाइट इज गॉन के लेखक कौन है, अमिताभ बागची। ये आपने देख लिया, देखो नीचे देखो, इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ सेलिब्रेटेड हिंदी नॉवलिस्ट विश्वनाथ, हार्ट ब्रोकन बाय द रिसेंट लॉस ऑफ हिज सन। आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा क्या मतलब इस बुक का है, ठीक है। चलिए तो यहां पर आंसर आ गया, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है। चलिए, नेम द वाइस एडमिरल हु टुक चार्ज एज डायरेक्टर जनरल नेवल प्रोजेक्ट एट विशाखापट्टनम ऑन 15 अक्टूबर 2018। तो 15 अक्टूबर 2018 को विशाखापट्टनम में महानिदेशक नौसेना परियोजनाओं के प्रभारी का पदभार किसने संभाला, आपको इसका आंसर देना है। जल्दी देखते हैं, बात डिफेंस की हो रही है और क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। चलिए जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे, फिर हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पर बात ज्यादा हो रही है, मेरा बिजली लड्डू एकदम बढ़िया है, एकदम अच्छा है। चलिए, और मेरे इस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आपसे पूछा यहाँ पर और यहाँ पर आज आंसर थोड़े कम आ रहे हैं, ठीक है। नवरात्रि है, लास्ट दिन है, लोग गरबा खेलने गए होंगे मेरे ख्याल से। गरबा वरबा कम खेलो, थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, एग्जाम है आसपास, ठीक। चलिए, तो इसका आंसर क्या है, नारायण प्रसाद, बिल्कुल सही आंसर है। कंप्यूटर जी बच्चों को इन्फॉर्मेशन दिखाएं, तो नारायण प्रसाद, वाइस एडमिरल नारायण प्रसाद जो है ये चार्ज लेंगे एज ए डायरेक्टर जनरल नेवल प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम। नीचे इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि पहले क्या करते थे, इन्हें कौन से अवार्ड मिले हैं। हालांकि एग्जाम के लिए इतने डीप में कभी क्वेश्चन पूछे नहीं आते हैं, फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर जो आपके सामने देखिए आ गया। विच कंपनी इज पार्टनरशिप विथ यसकॉम ग्लोबल कार्ट प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च देयर वेरी ओन फूड डिलीवरी फ्लीट ब्रांड नेम्ड रेलिवरी On 15 अक्टूबर 2018। तो किस कंपनी ने यसकॉम ग्लोबल कार्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक साझेदारी की है रेलिवरी नामक अपना खुद का खाद्य वितरण ब्रांड लॉन्च करने के लिए। अब देखो, नाम से मालूम चल रहा है कि कुछ रेल की बात हो रही है ना। चल देखते हैं, पहले आप आंसर दे पाते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे और बताएंगे क्या इसका पूरा मतलब है, ठीक है। और यहां पर शशांक का आंसर आ गया, बोल रहे हैं रेस्ट्रो, और देख लेते हैं यहां पर जल्दी जल्दी। और फूडीज नहीं सही आंसर है, फूडीज, और देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। रेल यात्री भी नहीं है, इसका आंसर है रेल रेस्ट्रो। देखिए, आप लोगों ने शायद रेल रेस्ट्रो से खाना वाना मंगवाया होगा, अगर आप रेल में ट्रेवल करते हैं तो। काफी अच्छा इनका एप्लीकेशन है और काफी अच्छी इनकी डिलीवरी है विद क्वालिटी, ठीक है। देखो, अब बात समझना, यसकॉम ग्लोबल कार्ट प्राइवेट लिमिटेड एक पटना की कंपनी थी। अगर आप देखेंगे यहां पर तो सेकंड पॉइंट पर पटना बेस्ड कंपनी है। तो जो रेल्स्रो है, ये अपना बिजनेस फैलाने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए ये जो आपका यसकॉम है इसको $20 मिलियन पैसे दे रहा है और इनका खुद का एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है कि जो हमारी ये नॉर्थ इंडिया है, पटना हो गया आपका, उत्तर प्रदेश हो गया, इस एरिया को कवर करने के लिए, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूं आपको, भले आपको देखने में लगे कि ये मतलब ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा जरूर, क्योंकि रेलवे की बात हो रही है और यहां पर बात हो रही है ऑनलाइन फूड डिलीवरी की। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, जो आपके सामने यहां पर है। देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन देहरादून साइंड टू एमओयू विथ नवोदय विद्यालय समिति एंड केंद्रीय विद्यालय संगठन फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर टू लॉन्च द प्रोग्राम नेम्ड। यानी आपको जो प्रोग्राम लॉन्च होगा उसका नाम बताना है। तो यहां पर बस यही बोला गया कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ने यहां पर नवोदय विद्यालय के साथ और केंद्रीय विद्यालय के साथ 2 MOU साइन किए हैं, उसका नाम आपको बताना है। और यहां पर नाम आना शुरू हो गया है, लग रहा है पढ़कर आप लोग नहीं आए हैं, आंसर सही नहीं आ रहे। हाँ, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा प्रकृति, प्रकृति इज राइट आंसर। तो देखिए, मतलब क्या है इसका, मतलब ये 10 साल का MOU है, जो बच्चे हैं उनको वन्य जीवन के बारे में थोड़ा अवेयर करना, पेड़ पौधे लगाना, ग्रीनरीज को बढ़ावा देना, यही इनके मेन मुद्दे हैं। यहां पर आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है, देख लीजिए आराम से, एक स्लाइड और आएगी, इसमें भी आपको इंफॉर्मेशन है। थ्योरीज है, थ्योरीज इतने एग्जाम में नहीं आती यहां पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, जो आपके सामने यहां पर है। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। Which is the world most depressed country according to a World Health Organization report? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे निराशाजनक देश कौन सा है? और आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा? मुझे लगता है कि दुश्मनी जब इंडिया से लोग निभाते हैं तो हर तरह से निभाते हैं, है ना? रिपोर्ट में गलत नाम दे दो, रैंक, अभी आपने देखा ना कि इंडिया ने मना कर दिया,
जो 115वीं रैंक मिली है इसमें वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में, इंडिया ने मना कर दिया कि हम इतने भी बुरे नहीं हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इंडिया। इंडिया इज राइट आंसर। देखिए तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, देखिए तो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस, क्या बोला गया है कि हर 6 इंडियन में से एक इंडियन को मेंटल हेल्थ हेल्प की जरूरत पड़ रही है, ये बोला गया है। और टोटल पॉपुलेशन का 6.5% पॉपुलेशन, जो इंडियन पॉपुलेशन है, वो सफर कर रहा है फ्रॉम सीरियस मेंटल डिसऑर्डर। अब आप लोगों को बदलना है, कहा गया युवा बदलेगा देश बदलेगा। अब इतने टफ टफ एग्जाम के प्रेशर आप पर पड़ जाते हैं तो क्या होगा, यही तो होना वाला है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, जो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है। चलिए, Which country has constituted a 8 to 10 member break into India strategic committee to formulate strategy to help its business investment more into the Indian market? तो क्या बोला गया है कि किस देश ने भारतीय बाजार में अधिक निवेश करने में मदद करने के लिए, रणनीति तैयार करने के लिए एक 8 से 10 मेंबर की एक कमेटी बनाई है, एक पैनल बनाया है, ब्रेक इनटू इंडिया स्ट्रेटेजिक कमेटी, और इसका आंसर क्या देना है यह आपको बताना है। अरे नहीं, डिप्रेशन कहां नहीं है यार, ये सब ठीक है, समझ लो, बस तुम याद कर समझ लो। और आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है श्रीलंका। श्रीलंका इज राइट आंसर। यहां पर देख लें, पूरी वही कहानी है कि श्रीलंका इंडिया के मार्केट में और इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो कमेटी बनाए हुए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, जो आपके सामने है। एक अच्छी खबर है, देख लीजिए, मिनिस्टर ऑफ रेलवे एंड कोल पीयूष गोयल विल रिसीव विच यूनिवर्सिटी टॉप प्राइज इन एनर्जी पॉलिसी। तो रेलवे और कोयला मंत्री भी हैं ये, याद रखिएगा, पीयूष गोयल को ऊर्जा नीति में किस विश्वविद्यालय का शीर्ष पुरस्कार मिलेगा, ये आपसे पूछा गया है। हमारे पास 5 ऑप्शन है और सही आंसर क्या होगा ये आपको देना है। जल्दी से मुझे बताएं क्या इसका आंसर होगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और चंदन बोल रहे हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, सब जय माता दी, जय बजरंग भी लगाओ। शशांक सही है, प्रतिभा स्टैनफोर्ड बोल रही है, ठीक है। और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी जो है वो देगी इनको अवार्ड। एक बार देख लें क्यों, तो इनके हिसाब से मोर देन 18,000 विलेजेस में बिजली पहुंचाई गई है इनके द्वारा, तो इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, याद कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। देखिए ये जुलाई का क्वेश्चन था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बार इलेक्शन कमिश्नर ने इस एप्लीकेशन का नाम लिया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ गया है। सी विजिल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया, हालांकि मैंने आंसर दे दिया आपको, तो आप लोग यहां पे अपनी महारत दिखाएं और पूरा सही आंसर दें। तो सी विजिल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया, इलेक्शन के टाइम पर अगर जो कोड ऑफ कंडक्ट है कोई ब्रेक करता है कोई भी, तो इसमें आप कंप्लेन कर सकते हो, सीधे कंप्लेन करने के लिए ये एप्लीकेशन बना है। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इलेक्शन कमिश्नर, कमीशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। कंप्यूटर जी ने भी आपको हाईलाइट कर दिया होगा आंसर। कंप्यूटर जी आगे बढ़े और यहां पे हाईलाइट करें बच्चों के लिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। आंसर आप लोगों ने मालूम कर लिया, तो 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अब आ रहा है। और क्या है देख लीजिए, यहां पर देखिए, According to a report by which digital security firm, India is second highest after US in the first half year, मतलब 6 महीने की बात हो रही है, in terms of data breach incidents, ठीक है। तो किस डिजिटल सुरक्षा फर्म के मुताबिक डेटा उल्लंघन की घटनाओं के मामले में भारत में पहले छमाही वर्ष में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा थे, डेटा उल्लंघन, आधार कार्ड में ठीक से जो हमारा मतलब होना चाहिए था इंप्लीमेंटेशन, वो ना होने की वजह से, डेटा लीक होने की वजह से हम आ गए हैं किसके नंबर सेकंड पर, यूएस के बाद। और इसका आंसर क्या होगा ये आपको देना है। और इसका आंसर है जेमेल्टो इस राइस सेंटर, जेमेल्टो। तो जेमेल्टो के हिसाब से यूएस के बाद इंडिया दूसरे नंबर देश है जहां पर सबसे ज्यादा डेटा में सेंधमारी हुई है। आपने देखा ही होगा कि 2014 के इलेक्शन में फेसबुक ने माना कि हमने पॉलिटिकल पार्टी को डेटा शेयर किया है ना, तो जो हमारे डेटा हैं जो आधार कार्ड के थ्रू सेव हो रहे हैं, तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज थी जिन्होंने हमारे डेटा को मिसयूज़ किया है, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं आपके सामने, जो यहां पर देखिए, हु इज ऑन द टॉप स्पॉट ऑफ मेंस एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स वर्ल्ड सिंगल रैंकिंग एट प्रेजेंट। तो क्या बोला गया है कि वर्तमान में पुरुषों के एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल विश्व एकल रैंकिंग में पहले नंबर पे कौन आ गए हैं, ये आपको बताना है, क्या इसका आंसर होगा।
गौरव तिवारी जी बिल्कुल सुल्तानपुर आएंगे, तुम्हारी शादी में आएंगे, और शादी ऐसी टाइम करना जब दुर्गा पूजा भी होता रहे, ठीक है। चलिए जल्दी से मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा। हाँ, सब इंडिया से चलते हैं, बिल्कुल प्रीतिका, इसका आंसर दे, क्या इसका आंसर होगा। और बच्चे बोल रहे राफेल नडाल क्या सही आंसर है, तो एक बार कंप्यूटर जी आगे बढ़कर आपको दिखाएंगे। तो राफेल नडाल बिल्कुल सही आंसर है, इसके बाद नोवाक जोकोविक है, और इसके बाद रोजर फेडरर है, और इन प्लेयर्स के कंट्री का नाम भी आपको लर्न करना है, एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 पर, जो आपके सामने यहां पर है। बात क्या हो रही है, बात हो रही है हमारी मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर राधा मोहन सिंह जी ने क्या बोला। इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि दिस परसेंट ऑफ गवर्नमेंट्स पॉलिसीज हैव बीन फॉर्मुलेटेड टू इनहेंस वुमेन पार्टिसिपेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह जी ने घोषणा की है कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कितने परसेंट सरकार की नीतियां तैयार की गई हैं, ये आपको बताना है। और यहां पर आंसर आने शुरू हो गए हैं, फिर से वही जय माता दी वाले, क्योंकि काफी उतार चढ़ाव है आंसर्स में, सब लोग एक आंसर नहीं दे रहे हैं। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 30%। मतलब टोटल गवर्नमेंट पॉलिसीज में 30% पॉलिसीज केवल फीमेल्स को एग्रीकल्चर में लाने के लिए होती है इनके हिसाब से। यहां पर देखिए तो महिला किसान दिवस प्रोग्राम मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि कब सेलिब्रेट किया जाता है, इस मौके पर इन्होंने बोला, ये याद करिएगा, 30% गवर्नमेंट डेटा याद रखना, क्योंकि अभी लास्ट ईयर की बात है, बजट में क्वेश्चन आ गया था कि जो मनरेगा है, मनरेगा में फीमेल का पार्टिसिपेशन कितना परसेंट होता है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, ठीक है, क्योंकि ये इकोनॉमिक सोशल इश्यूज पर क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं आपके सामने। देखिए यहां पर 15 अक्टूबर 2018 को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को द कलाम विजन डेयर टू ड्रीम थीम के संगठन की वेबसाइट को समर्पित किया है। मतलब एक थीम बनाई गई थी, और इस थीम का मतलब क्या था, इस थीम का मतलब था कि कलाम जी को याद करना, ठीक है। थीम का नाम आपको यहां पर दिया गया है, तो किस वेबसाइट में इसको अपलोड किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। आगे बताएं क्या इसका आंसर होगा। यहां पर 5 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और सही आंसर आपको देना है, क्या इसका आंसर होगा। और बच्चे चलिए, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है DRDO। तो DRDO के वेबसाइट पर ये जो थीम थी कलाम साहब की, ये थीम यहां पर दी निर्मला सीतारमन जी ने। क्यों दिया होगा, आपको पता होगा कि कलाम जी का बर्थडे था हमारा, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, आप यहां पर देख लें, पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दी हुई है। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, जो आपके सामने यहां पर है। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, मे बी आप इसका आंसर जानते होंगे, बट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें कुछ पॉइंट घूम सकते हैं। With which country will India resume the annual joint army exercise hand in hand in December 2018? तो hand in hand defense exercise इंडिया कौन सी कंट्री के साथ करता है, और ये इस साल दिसंबर में कहां पर होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको समझनी होगी। और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है चाइना, इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाइना। अब देखें तो देख लें यहां कहां पर होगा, दिसंबर में चाइना के चेंगडू रीजन में यह होगा, ये आपको याद रखना है। और इसके पहले 2016 में पुणे में हैंड इन हैंड डिफेंस एक्सरसाइज हुई थी, और एग्जाम में ये आया भी था, ठीक है, अब याद रख लीजिएगा। और इंडिया की तरफ से 11 सिख लाइट रेजिमेंट जो है वो पार्टिसिपेट करेगी। ये सारे पॉइंट जितने येलो से आपको दिख रहे हैं सब नोट कर लीजिएगा, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की, जो आपके सामने यहां पर है। देखिए, किस राज्य की शाही लीची, लीची हम लोग खाते हैं ना, लीची को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है। द शाही लीची ऑफ विच स्टेट हैड गॉट द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जो बच्चे GI टैग का मतलब नहीं समझ पाते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने गूगल मैप का यूज किया होगा, है ना, तो टैग नहीं मिलता कि यहां पर बैंक है, यहां पर हॉस्पिटल है, तो लीची को, शाही लीची को टैग मिला किस स्टेट के, और वेरी गुड, बिहार वाले बच्चे जो हैं बड़े खुश हो रहे होंगे आज, है ना, तो बिहार बिल्कुल सही आंसर है, तो बिहार बिल्कुल सही आंसर है, देख ले। और ये बिहार का चौथा प्रोडक्ट है, तीन प्रोडक्ट नाम आपको यहां पर दिए गए हैं नीचे, आप आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन कंप्लीट होता है, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, जो आपके सामने यहां पर है। देखिए, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अनमैन्ड ट्रांसपोर्ट ड्रोन, which can carry a payload of 1.5 ton,
फिर देख लीजिए, किस देश ने सफलतापूर्वक दुनिया के सबसे बड़े मानव रहित परिवहन ड्रोन का परीक्षण किया है जो 1.5 टन का पेलोड ले सकता है? ये कंट्री कौन सी है जिसने ऐसा ड्रोन बनाया है? ये आपको आंसर देना है और आई थिंक आप लोग को आंसर आ भी रहे हैं। आंसर क्या है? आंसर इज चाइना। तो चाइना इज राइट आंसर, आप यहां पर देख लें तो वर्ल्ड लार्जेस्ट अनमैन्ड ट्रांसपोर्ट ड्रोन, याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं आपसे, ये आपके सामने है। चलिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री सर्वे, विच विलेज इज द कंट्रीज बेस्ट डेवलप्ड विलेज? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा गांव देश का सबसे डेवलप विकसित गांव है, यह आपको बताना है। यहां पर 5 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर क्या होगा? हाँ, आईपी शर्मा, चाइना ही ऐसे काम करता है, लेकिन चाइना के माल की गारंटी भी नहीं होती है, यह भी बताया आपको। और आंसर क्या होगा? बच्चे यहां पर आंसर दे रहे हैं, तो आंसर है कुलीगोद। कुलीगोद कर्नाटका में है। आइए देखते हैं यहां पर, ठीक है। देखिए तो क्या बोला गया है कि कर्नाटका के बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में कुलीगोद जो गांव है, इसे सबसे डेवलप्ड गांव माना गया है इंडिया का। और क्या बोला गया है? 3.5 लाख विलेज में सर्वे होने के बाद यह रिजल्ट आया है, ठीक। और तेलंगाना और मध्य प्रदेश हैव 5 और 4 पंचायत इन द टॉप 10 रैंक्स। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट होता है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, जो आपके सामने यहां पर है। देखिए, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन कमांडिंग जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट आर्मी फोर्स कमांड, यानी संयुक्त राज्य आर्मी फोर्स कमांड की पहली महिला कमांडिंग जनरल कौन बन गई हैं? दो, ये फर्स्ट फीमेल हैं, तो फर्स्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसका आंसर आपको देना है, क्या इसका आंसर होगा? हाँ, यही ना बोलेंगे, चाइना का सामान है ना, कि गारंटी नहीं होती है, मैंने कुछ देशी वर्ड का यूज कर दिया और क्या। और इसका आंसर क्या है, बच्चे बोल रहे हैं, क्या है? बच्चे बोल रहे हैं लॉरा जे रिचर्डसन। तो लॉरा जे रिचर्डसन इज वेरी राइट आंसर। यहां पर देख लीजिए, तो फर्स्ट पॉइंट में आपको यह समझाया भी गया है। लास्ट पॉइंट देखिए, ये किसको सक्सीड करेंगे? तो जनरल रॉबर्ट बी अब्राम को ये रिप्लेस करेंगे। ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बीच में कहानियां हैं, वो हमें नहीं पढ़नी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, जो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है। देखिए, विच स्टेट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट इन द कंट्री विथ पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज आइंग 100% एलपीजी पेनेट्रेशन। पेनेट्रेशन का मतलब मार्केट में घुसना। तो सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के 100% एलपीजी प्रवेश के साथ कौन सा देश का पहला धुआं मुक्त राज्य बनने जा रहा है? अब ये कौन सा स्टेट होगा? जहां लोग ज्यादा पढ़े लिखे होंगे वहां वो ये चीज होगी। और आंसर क्या होगा? आंसर इस केरला। आंसर इस केरला। केरला को लॉक कर दे। कंप्यूटर जी भी आपको यहां पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। और डीप में इंफॉर्मेशन चाहिए आपको तो नीचे आपको दिया हुआ है। 3 बॉटलिंग प्लांट यहाँ पे लगाए गए हैं, कोच्ची में, कोचिकोड़े में और कोल्लम में। ये सभी देख लीजिएगा अगर देखना आपको तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, जो कि बेस्ड है अपॉइंटमेंट पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 17 अक्टूबर 2018 को कंपनी के नए स्वतंत्र अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसको अपॉइंट किया है? तो आपको बताना है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द रिलायंस कंपनी। और इसका आंसर क्या होगा? आई थिंक मेरे ख्याल से चंदा कोचर होना चाहिए, बिकॉज वो फ्री है अभी, मतलब आईसीआईसी बैंक में थी। क्या इसका आंसर होगा, ये बताएं। और यहां पर आंसर आने शुरू हो गए हैं। आंसर क्या है? आंसर और आंसर है अरुंधति भट्टाचार्य। बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं। इनका नाम तो आप सुने ही होंगे, गजब की लेडी हैं। एज अ पीओ इन्होंने एसबीआई को ज्वाइन किया था और मेल डोमिनेटेड समाज में ये एसबीआई की चीफ बनी। तो गर्ल्स, आपको इनसे मोटिवेशन जरूर लेना चाहिए। जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है, ऐसी प्रॉब्लम भी इनके लाइफ में आई होगी। बॉयज को भी लेना चाहिए, है ना। तो ये एक आइडियल वुमेन है, हम कह सकते हैं इन्हें। चलिए तो इनके बारे में बात थोड़ा सा हम कम करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Who has become the first Indian to win a silver medal in archery at the 2018 Youth Olympic? तो कौन युवा ओलंपिक खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में रजत जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? सिल्वर मेडल की बात हो रही है, पहले इंडियन की बात हो रही है, तो यह भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए बताएं मुझे क्या इसका आंसर होगा, जल्दी मुझे बताएं। हाँ, गर्ल्स आर रॉक स्टार्स, बॉयज आर रॉक स्टार, मैं भी रॉक स्टार, सब लोग रॉक स्टार।
लड़के नाराज हो जाएंगे वरना, है ना। चलिए मुझे बताएं क्या इसका आंसर होगा। यहाँ पर बच्चे आंसर दे रहे हैं, बोल रहे हैं आकाश मलिक। तो आकाश मलिक बिल्कुल सही आंसर है। कंप्यूटर जी जरा बच्चों को दिखाएं। तो आकाश मलिक जो है पहले इंडियन है सिल्वर मेडल जीतने वाले आर्चरी यूथ ओलंपिक में। अच्छा, और देखें तो यहाँ पर देखिए लास्ट पॉइंट, इंडिया एंडेड देयर यूथ ओलंपिक कैंपेन इन 16th स्पॉट विथ 13 मेडल। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन देख लीजिएगा। पहले पे कौन है, पहले पे कौन है जरा मुझे बताएं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। पहले पे कौन है जरा मुझे बताइएगा। जरा द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी is all set to be unveiled by Prime Minister Narendra Modi on 31st October 2018. It is dedicated to, I think इस क्वेश्चन के आंसर सारे बच्चे दे देंगे, इस क्वेश्चन का सारे बच्चे आंसर देंगे। अंशुल पांडे क्या हो गया, अंशुल पांडे नाराज हुए लग रहा है। अरे नहीं भाई, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, रुको और आंसर दे मुझे क्या इसका आंसर होगा यहाँ पर, और फिर आप आगे बढ़ेंगे। अभी स्टैटिक के भी 10 क्वेश्चन बचे हैं। जी बिल्कुल, सरदार वल्लभ भाई पटेल आप आंसर दे रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल वो सही आंसर है। लेकिन आपको डेटा लर्न करना होगा, बिकॉज ये पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची सबसे लंबी प्रतिमा है। डेटा को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले हम बात कर लें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं, 31st अक्टूबर को इसका इनॉग्रेशन मोदी जी करेंगे। ठीक है, दो एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये कहाँ पर है, तो ये साधु बेट आइलैंड पर है, नर्मदा रिवर जो पे बना है। ठीक है, और देखते हैं तो 31st अक्टूबर 2013 को इसका काम शुरू हुआ था। डेटा बेटा याद कर लो, मैं बोल रहा हूँ, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे जरूर। ठीक है, और इसके बाद आए आगे बढ़े, इसके बाद भी हमने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, डिजाइनर कौन है इसमें और मटेरियल क्या लगा है, सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, ये भी आपको देखना है, 182 मीटर। और इसके बाद देखें यहाँ पर तो हमने आपको पूरा कंपैरिजन भी दिखाया है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात इंडिया में है, 182 मीटर इसकी हाइट है। अगर आपको फीट में देखना है तो पीछे वाली स्लाइड में फीट में हमने दिखाया हुआ है। ठीक है, ये भी देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसीलिए हमने इस पर मेहनत की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने आ गया है, विद द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज व्लादिमीर पुतिन साइंड अ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन ट्रीटी टू इंक्रीज ट्रेड मिलिट्री एंड अदर टाइज ऑन 17th अक्टूबर। इसका आंसर आपको देना है कि 17 अक्टूबर को व्यापार सैन्य और अन्य संबंधों को बढ़ावा देने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने किस देश के राष्ट्रपति के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, आपको ये बताना है। और बिल्कुल सही आप लोग यहाँ पर आंसर दे रहे हैं, यहाँ पर आंसर क्या होगा, इजिप्ट। इजिप्ट इज राइट आंसर, तो इजिप्ट लॉक कर दे, इजिप्ट के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है आपके सामने यहाँ पर है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट कौन है, अब्दुल फतेह अल सीसी, ये भी देख लीजिएगा। इजिप्ट की कैपिटल क्या है, आई थिंक आपको पता होगा। करेंसी क्या, ये भी आपको पता होगा, नहीं पता तो पता करिएगा जरूर। और हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 पर, जो कि बुक्स पर क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर्स पर। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑन महाराणा प्रताप टाइटल्ड इन महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर, आपको इसका आंसर देना है। तो महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर नामक पुस्तक की लेखिका कौन है, ये आपको बताना है, सही आंसर क्या होगा। जी हाँ, कायरो, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग यहां पर। क्या इसका आंसर होगा, और यहां पर दीपक सिन्हा का पहला आंसर आया है, बिल्कुल सही आंसर आया है। और देख लेते हैं यहां पर, ठीक है ठीक है, आंसर आ रहा है वीर का, आ रहा है पल्लवी, ठीक है। इसका आंसर है रीमा हुजा, तो रीमा हुजा को लॉक कर दे, बिल्कुल सही आंसर आपके सामने यहां पर आ गया है। ठीक है, रीमा हुजा जो है ये एक हिस्टोरियन है राजस्थान की, इन्होंने इन पर बुक लिखी है। ठीक है, बढ़िया, अच्छा, वेरी गुड। तो ये था हमारा 30 क्वेश्चन। जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या IBPS क्लर्क की बात करें या PO की बात करें, तो 8:30 पर मैं फिर से आ रहा हूँ क्वेश्चन लेकर आपके लिए स्पेशली, तो वहां पर आपको आना है और धमाल मचाना है। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के अपने दूसरे कोट के साथ। देखिए यहाँ पर, डोंट फियर फेल्योर, fear being in the exact same place next year as you are today. समझ रहे हैं ना आप लोग, देख लीजिए क्या बोला गया है, don't fear failure, fear being in the exact same place next year as you are today. तो फेल्योर होने से डरिए मत, लेकिन हाँ ये डरिए कि अगर आपने इस साल आज इस बार एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए तो फिर से नेक्स्ट टाइम पर आपको उसी टाइम पर वहीं पर होना होगा, आपने 0% की ग्रोथ की है और ये बहुत बड़ी बात है। हर बच्चा इससे डरता है, मैं ये जानता हूं, दिखाया आपको इसलिए कि थोड़ा और डरिए इससे। ठीक, आप समझदार हैं, आपको पता है कि एक साल में क्या क्या चीजें बदल सकती हैं, वैकेंसी में भी कम हो जाए, घर के एक्सपेक्टेशन कॉन्टिन्यूस बढ़ रहे हैं, पैसा हमारे पास कम होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं।
मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ और मैंने भी इलाहाबाद से अपना पढ़ाई शुरू किया, हॉस्टल लिया, सब कुछ मैंने भी देखा है, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट लाइफ में कितना ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। जो लोग ये सोचते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में लोग मस्ती करते हैं, तो ऐसा नहीं है। मस्ती करते होंगे बट उन्हें अपने करियर की भी चिंता होती है, बिकॉज वो लाइफ में जी चुका हूँ। तो आई रियली अप्रिशिएट आप लोगों को कि आप लोग मेहनत करते हैं, लगे हुए हैं, बेटा बस थोड़ा सा एज देना है, थोड़ा सा फोर्स देना है, थोड़ा पॉजिटिव होना है और सिलेक्शन लेना है। हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, आपके चलिए। नामादफा नेशनल पार्क लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। नामादफा नेशनल पार्क किस स्टेट में है, ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर देना है। क्या इसका आंसर होगा बताएं मुझे, और ये मैं करा भी चुका हूं आपको, तो मुझे सही आंसर इस क्वेश्चन का मिलना चाहिए। रोहित चौधरी जी बिल्कुल, मिर्जापुर मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल। और आंसर देख क्या इसका आंसर हो गाइस, जल्दी से जल्दी से। और यहां पर आंसर आने शुरू हो गए हैं, बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है। और इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश, कंप्यूटर जी आपको दिखाएंगे भी, तो अरुणाचल प्रदेश इज राइट आंसर। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू की बात आपसे करते हैं। देखिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट सिचुएटेड, यानी शॉर्ट में से हम बोलते हैं OECD। तो OECD का हेडक्वार्टर कहां पे है ये आपको बताना है। OECD का हेडक्वार्टर वहीं पर है जहां पर यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर है। हिंट मैंने आपको दे दिया, यूनेस्को बड़ा कॉमन है, आपको शायद याद भी होगा, तो आंसर आपको देना है। क्या इसका आंसर होगा, चलिए गाइस बताएं यहाँ पे क्या इसका आंसर होगा। और इसका आंसर बच्चे बोल रहे हैं पेरिस, क्या पेरिस सही आंसर है, पेरिस बिल्कुल सही आंसर है, पेरिस बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर थ्री की बात आपसे करते हैं। मटकी डांस की बात यहाँ पर हो रही है, तो मटकी डांस किस स्टेट का फोक डांस है ये आपसे पूछा गया है। मटकी डांस किस स्टेट का फोक डांस है ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर देना है। नाम से मालूम चल रहा है कि ये या तो यूपी का होगा, या तो बिहार का होगा, या तो मध्य प्रदेश का होगा। देखते हैं क्या इसका सही आंसर होगा गाइस, जल्दी। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। फोक डांसेस याद कर लो बेटा, एक क्वेश्चन आ जाता है, घुमा देता है हमेशा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है ये आपको बताना है। स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, किस जगह पे है ये आपको बताना है। रायपुर, पुणे, तेजू, आगरा, लखनऊ। और सही आंसर क्या होगा ये आप देखिए। विश्वजीत बिल्कुल घूमिए, खूब डांडिया खेलिए, कौन मना कर रहा है, करिए जो हाँ तुम लोग की एज भी है अपना, सही है, एंजॉय करो। और जल्दी मुझे बताएं, याद नहीं होते प्रतिभा जी याद करिए, जिद है तो जिद है ना, भूलिए मत। और इसका आंसर क्या होगा, जी हाँ रायपुर, रायपुर इज राइट आंसर, रायपुर इज राइट आंसर, याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम फिफ्थ की बात करते हैं जो सामने आपके आ रहा है। वर्ल्ड हेरिटेज डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट, तो विश्व हेरिटेज दिवस किस दिन मनाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। बताया क्या इसका आंसर होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आंसर आने शुरू हो गए हैं, बच्चे बोल रहे हैं 18 अप्रैल, 18 अप्रैल इज राइट आंसर। जी हाँ 18 अप्रैल बिल्कुल सही आंसर है, 18 अप्रैल बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आपके सामने यहाँ पर है, देखिए नाथुला, नाम सुना आपने, नाथुला इज अ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इज लोकेटेड ऑन द इंडियन बॉर्डर इन, मतलब किस राज्य में है नाथुला जो हमारा है बॉर्डर है, इंडिया और चाइना के बीच में जो है ये किस राज्य में है ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर 5 स्टेट आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको देना है। तो गाइस जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दें, फिर हम आगे बढ़ के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम बात कर रहे हैं नाथुला बॉर्डर की, इंडिया और चाइना के बीच में है, तो किस स्टेट में ये पड़ता है ये आपको बताना है। और यहाँ पर बच्चे अरुणाचल प्रदेश सिक्किम में कंफ्यूज है, आंसर है सिक्किम, सिक्किम सही आंसर है, कंप्यूटर जब वो दिखा भी रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कलिंगा प्राइज इज गिवेन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, कलिंगा प्राइज किस फील्ड के लिए दिया जाता है। कलिंगा प्राइज जो है ये यूनेस्को देता है ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से, बीजू पटनायक जी का बड़ा ये अच्छा इसमें रोल था, तो ये कलिंगा प्राइज यूनेस्को, ध्यान देना यूनेस्को ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से देता है। क्या इसका आंसर होगा, तो कलिंगा प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है ये आपसे पूछा गया है। और आंसर क्या है, बिल्कुल सही आंसर है साइंस, आंसर है साइंस, साइंस बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं जो आपके सामने है। निकनेम पर क्वेश्चन है, Which of the following Indian city is called as Manchester of the South? तो किस शहर को साउथ का मैनचेस्टर बोला जाता है ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर देना है। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, आई थिंक सारे बच्चों को इसका आंसर पता होगा।
मैनचेस्टर ऑफ साउथ किस शहर को बुलाया जाता है? इसका आंसर है कोयम्बटूर. कोयम्बटूर इज राइट आंसर. चेन्नई नहीं है, कोयम्बटूर है बेटा. कोयम्बटूर सही आंसर है, याद कर लीजिए. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं. वेयर इज द कैपिटल सिटी ऑफ इथोपिया सिचुएटेड? तो इथोपिया की कैपिटल क्या है ये आपसे पूछा गया है. देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं. इथोपिया की कैपिटल आपसे पूछी जा रही है और क्या इसका आंसर होगा. गाइस जल्दी से देखें जरा इथोपिया की कैपिटल क्या है. देखते हैं कौन इसका पहला और सही आंसर देता है. और यहां पर वर्षा जी का आंसर आ गया है, पहला सही आंसर आ गया है. और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अडीस अबाबा. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. और आज का हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ 1000 लेक? तो क्या बोला गया कि किस देश को लैंड ऑफ 1000 लेक बोला जाता है? क्योंकि यहां पर बहुत सारे लेक्स हैं, आपको इसका आंसर देना है. आई थिंक अगर आप जीएस स्ट्रांग है आपका तो आपको यह सब याद होगा. विनीला जी हम बिल्कुल ट्राई कर रहे हैं, हम iOS पे आपको ये एप्लीकेशन प्रोवाइड कर देंगे. एक्चुअली बात बेटा डिमांड की होती है, तो iOS में से अब लोग आप डिमांड कर रहे हो तो हम बिल्कुल ये बात रखेंगे सामने अपने बॉस लोग के पास. बिल्कुल ये बात समझी जाएगी, बिल्कुल जो हमारे भाई लोग हैं, बड़े भाई लोग, उनसे मैं बोलूँगा. और इसका सही आंसर क्या? इसका सही आंसर है फिनलैंड. फिनलैंड इज राइट आंसर. तो फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. और यहाँ पर आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं. तो हमने 40 क्वेश्चन आज के कंप्लीट कर लिए हैं. कल हम नहीं मिलेंगे आपसे क्योंकि कल है दशहरा और दशहरे में खूब एंजॉय करिए जमकर. अभी पढ़ लीजिए, कल दिन तक पढ़ लीजिएगा शाम में एंजॉयमेंट करने के लिए. घूमना उमना शाम में हो जाएगा, मेला वेला लगता है ना घूमने के लिए, है ना. चलिए हम लोग भी जो छोटे थे खूब मेले वेले में घूमते थे, बड़ा मजा आता था. तो जाइए एंजॉय करिए, फेस्टिवल है. इसके बाद दीपावली भी शुरू हो जाएगी, फिर दीपावली के बाद क्रिसमस और उसके बाद न्यू ईयर. तो ये सीजन ही पूरा फेस्टिवल का है. तो थोड़ा सा टाइम निकालिएगा भाई, वरना इस सीजन में, इस फेस्टिवल में खो मत जाइएगा. ठीक है, तो सबको थैंक यू वेरी मच. आपने आज शो देखा, आज फेस्टिवल होते हुए भी, वरना आप लोग बाहर घूमने आते, थोड़ा पढ़ लीजिएगा. ठीक है, और हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करिएगा. गुड नाइट.